आपका सवाल नंबर एक है, तंबाकू खाने से कौन सी बीमारी होती है? आपके ऑप्शन है ए कैंसर, बी मलेरिया, सी चेचक और डी खांसी। आपका सही जवाब है ए कैंसर। आपका सवाल नंबर दो है, साइकिल के टायर के अंदर कौन सी गैस होती है? आपके ऑप्शन है ए फ्लोरीन, बी ऑक्सीजन, सी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और डी नाइट्रोजन गैस। आपका सही जवाब है सी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आपका सवाल नंबर तीन है, पनीर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी भारत, सी जर्मनी और डी अफ्रीका देश। आपका सही जवाब है बी भारत देश। आपका सवाल नंबर चार है, भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन समय अवधि कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 55 सेकंड, बी 58 सेकंड, सी 51 सेकंड और डी 65 सेकंड। आपका सही जवाब है डी 65 सेकंड। आपका सवाल नंबर पांच है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपके ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल और डी कबड्डी। आपका सही जवाब है बी हॉकी खेल भारत का राष्ट्रीय खेल है। आपका सवाल नंबर छह है, कौन सी सब्जी खाने से दांत साफ होते हैं? आपके ऑप्शन है ए गोभी, बी आलू, सी पपीते की सब्जी और डी मूली। आपका सही जवाब है सी पपीते की सब्जी। आपका सवाल नंबर सात है, सिख समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए गुरु नानक ने, बी स्वामी विवेकानंद, सी गांधी जी और डी स्वामी। आपका सही जवाब है ए गुरु नानक ने। आपका सवाल नंबर आठ है, बिल्ली की पूजा किस देश के लोग करते हैं? आपके ऑप्शन होंगे ए रूस, बी चीन, सी मिस्र और डी भारत देश में। आपका सही जवाब है सी मिस्र देश में। आपका सवाल नंबर नौ है, हवाई जहाज में कितने पहिए होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 18 पहिए, बी 12 पहिए, सी 19 पहिए और डी 13 पहिए। आपका सही जवाब है ए 18 पहिए। आपका सवाल नंबर 10 है, सबसे ज्यादा कैल्शियम किस जानवर के दूध में होता है? आपके ऑप्शन है ए भैंस के दूध में, बी बकरी के दूध में, सी भेड़ी के दूध में और डी गाय के दूध में। आपका सही जवाब है ए भैंस के दूध में। आपका सवाल नंबर 11 है, शक कैलेंडर का आखिरी महीना कौन सा होता है? आपके ऑप्शन होंगे ए फाल्गुन, बी भाद्रपद, सी माघ और डी वैशाख। आपका सही जवाब है ए फाल्गुन। आपका सवाल नंबर 12 है, भारत के किस राज्य में सबसे कम अपराध होते हैं? आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी मणिपुर और डी नागालैंड। आपका सही जवाब है डी नागालैंड में। आपका सवाल नंबर 13 है, क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 20, बी 30, सी 11 और डी 22। आपका सही जवाब है सी 11 खिलाड़ी। आपका सवाल नंबर 14 है, किस देश के लोग एसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी अफ्रीका और डी मलेशिया। आपका सही जवाब है बी अमेरिका देश के लोग।
आपका सवाल नंबर 15 है, भारत में पाकिस्तान नाम का गांव कहां पर है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी कश्मीर और डी मणिपुर में। आपका सही जवाब है ए बिहार में। आपका सवाल नंबर 16 है, छोटा भारत किस देश को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए नेपाल को, बी फिजी देश को, सी भूटान को और डी बांग्लादेश को। आपका सही जवाब है बी फिजी देश को छोटा भारत कहा जाता है। आपका सवाल नंबर 17 है, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी गांधी जी और डी चंद्रशेखर आजाद। आपका सही जवाब है सी गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। आपका सवाल नंबर 18 है, किस पेड़ के नीचे सोने से अमीर आदमी भी गरीब बन जाता है? आपके ऑप्शन है ए नीम का पेड़, बी बांस का पेड़, सी सागवान का पेड़ और डी मैट्रिक का पेड़। आपका सही जवाब है ए नीम का पेड़। आपका सवाल नंबर 19 है, नेपाल देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? आपके ऑप्शन होंगे ए गोरखली भाषा, बी अरबी भाषा, सी हिंदी भाषा और डी पंजाबी भाषा। आपका सही जवाब है ए गोरखली भाषा। आपका सवाल नंबर 20 है, भारत में सबसे ज्यादा गाना गाने वाला गायक का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए किशोर कुमार, बी मोहम्मद रफी, सी लता मंगेशकर और डी कुमार सानू। यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। आपका सही जवाब है सी लता मंगेशकर। आपका सवाल नंबर 21 है, मोर का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? आपके ऑप्शन होंगे ए 12 वर्ष का, बी 20 वर्ष का, सी 15 वर्ष का और डी 18 वर्ष का। आपका सही जवाब है बी 20 वर्ष का। आपका सवाल नंबर 22 है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ए उड़ीसा राज्य में, बी पंजाब राज्य में, सी सिक्किम राज्य में और डी बिहार राज्य में। अगर इसका आपको आंसर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका सही जवाब है ए उड़ीसा राज्य में। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपका सवाल नंबर 23 है, सबसे ज़्यादा सोने की खपत किस देश में होती है? आपके ऑप्शन होंगे ए चीन देश में, बी अमेरिका देश में, सी भारत देश में और डी इराक देश में। आपको आंसर पता हो तो बताइए। आपका सही जवाब है सी भारत देश में। आपका सवाल नंबर 24 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन होंगे ए चंद्रशेखर आजाद, बी गांधी जी, सी सुखदेव सिंह ने और डी भगत सिंह ने। यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका सही जवाब है डी भगत सिंह ने। आपका सवाल नंबर 25 है, कागज़ बनाने के लिए किस पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए बांस का, बी सागवान का, सी शीशम का और डी नीम का। आपका सही जवाब हो जाएगा ए बांस का पेड़ कागज़ बनाने के लिए इस्तेमाल